देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने और परिणाम आने के बाद सियासी सरगर्मियां लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने केंद्र में अपनी सरकार का पुनर्गठन कर लिया है, तो दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों में जबरदस्त सियासी गहमागहमी मची हुई है और खास तौर पर उन राज्यों में सियासी गहमागहमी मची है जहां पर आगामी कुछ ही दिनों के बाद चुनाव संपन्न होने वाले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये लोकसभा का चुनाव महज एक लोकसभा या आम चुनाव तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य विभिन्न राज्यों के यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को भुनाना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता बन जाएगी, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में स्थिति कुछ ऐसे ही बनती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करेंगे यहाँ पर, तो हरियाणा में 45 विधायकों का समर्थन नायब सिंह सैनी को सरकार चलाने के लिए इस वक्त जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो हरियाणा में 88 सदस्यीय विधानसभा हो गई है और वहां पर नायब सिंह सैनी पर विपक्ष ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा में सरकार को चलाने को लेकर के यहाँ पर उनके पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है, लिहाजा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में दिखाई दे रही है। इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में जिन 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 2019 के चुनाव में परचम लहरा दिया था, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने उस टैकल करते हुए इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर 5 सीटों पर बाजी मार ली। किसानों का मुद्दा, वर्ष 2020 में कोरोना के बाद दिसंबर के महीने में शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं शुरू रही और जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक का पूरा 13 महीने का सर्कल गुजर जाने के बाद किसानों को यहां पर कन्विंस करने में राज्य और केंद्र सरकारें नाकाम होती नजर आई। उस किसान आंदोलन में ज्यादातर किसान हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे। उस किसान आंदोलन का फर्क और उसका असर इस लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला, विशेष तौर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, क्योंकि इन तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी का यहां पर कोई सियासी आधार नजर नहीं आ रहा था। पंजाब में तो सियासी आधार नजर आ भी रहा था क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय नहीं थी, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में तो तमाम लोकसभा सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झंडा लहरा दिया था। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, राजस्थान में किसान आंदोलन के मुद्दे का यहां पर पूरी तरीके से विपक्षी दलों ने क्रियान्वयन किया, लिहाजा इस पूरे मुद्दे की यहां पर जो लड़ाई थी वो 15-10 के अनुपात में छूटती हुई नजर आई। 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई, 10 सीटें इंडिया अलायंस को गई, यानी कि साफ तौर पर 10 सीटों का नुकसान राजस्थान से होता हुआ नजर आया। हरियाणा में भी लड़ाई 50% पर आकर छूटी, क्योंकि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते में कर ली और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आई। लेकिन अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले जाने की बात की जा रही है। नायब सिंह सैनी को 7 मार्च 2024 को जिस तरीके से यह पूरा सियासी घटनाक्रम घटित हुआ, मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा मांगा गया, करनाल लोकसभा सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया और वहां से वे सांसद बनकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी की ताजपोशी से, तमाम हाईकमान के जो फैसले थे उनसे राज्य संगठन इकाई के तमाम नेता यहां पर नाखुश नजर आते हैं। इस लोकसभा चुनाव की पटकथा कुछ इस तरीके से लिखी जाती है कि यहाँ पर तमाम जो दिग्गज नेता थे, जो बार बार ये कहते नजर आए कि हरियाणा में बीजेपी के कमल का फूल लगाने से लेकर उसको खिलाने तक का काम हमने किया है और जब उसका फल आने का यहाँ पर इंतजार हो रहा था तो उस फल को कोई और तोड़ के ले जाता है। यानी कि साफ तौर पर उन दिग्गज नेताओं की नाराजगी है जो लंबे वक्त से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया जाना चाहिए। दक्षिण हरियाणा में दो कद्दावर नेता बीजेपी के पास हैं, राव इंद्रजीत सिंह और रामलीला शर्मा। दोनों कद्दावर नेता किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह तो यहाँ पर साफ खुले मन से आकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव की पटकथा तैयार की।
क्योंकि नायब सिंह सैनी की बात करें, इतना चर्चित चेहरा, जाना पहचाना चेहरा नहीं थे। कुरुक्षेत्र से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, वहां से जीत दर्ज करते हैं और उसके बाद 2024 के आने का इंतजार करते हैं। 7 मार्च के बाद हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता का पुनर्गठन होता है, उसके बाद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता हरियाणा विधानसभा में चुन लिया जाता है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह लगातार तीसरी बार वो जो मोदी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं और चौथी बार गुरुग्राम लोकसभा सीट से सांसद बनकर के आए हैं, उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि मैं अपनी सीएम कुर्सी की लड़ाई अकेले लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दक्षिण हरियाणा की 15 लोकसभा की, माफ कीजिए, विधानसभा की सीटें मेरे कब्जे की हैं और हाईकमान को अब सोचना होगा। उन्होंने ये कहा कि दक्षिण हरियाणा से लगातार भेदभाव किया जाता रहा है, लेकिन अब दक्षिण हरियाणा के भेदभाव को राव इंद्रजीत सिंह सहन नहीं करेंगे। उत्तरी हरियाणा की बात कर ली जाए तो अंबाला में एक दिग्गज नेता अनिल विज मौजूद है। अनिल विज भी 5 बार यहाँ से अंबाला कैंट सीट से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के विधायक हैं। वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाने का वक्त जब आया, जब जिम्मेदारी देने का वक्त आया, तो अन्य लोग यहाँ पर संगठन के नेताओं के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। आखिरकार ये परिस्थितियां क्यों घटित हो रही हैं? आखिरकार किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आई है? क्या भीतरघात की जो खबरें सामने आई, क्या उन भीतरघात की खबरों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया? आखिरकार क्या बीजेपी किसान आंदोलन के मुद्दे पर इतना घिर गई थी हरियाणा में कि यहाँ पर किसान आंदोलन का साफ तौर पर जो उदाहरण देखने को मिला कि तमाम प्रत्याशियों को गांव में घुसने से रोका गया, लिहाजा भाजपा के लिए यहाँ पर मुश्किलें कम होने का नाम लेती नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस वक्त बड़ी कुर्सी की लड़ाई है, बड़ी कुर्सी की लड़ाई के लिए तमाम दिग्गज नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो कि हरियाणा की राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान आर पार की लड़ाई होने वाली है। इस आर पार की लड़ाई में क्या राव इंद्रजीत सिंह और प्रोफेसर रामविलास शर्मा 2024 की तर्ज पर एक बार फिर से घिरते हुए नजर आएंगे? क्या अनिल विज अपने सियासी आधार का इस्तेमाल सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी हरियाणा में जो है उस पर काबिज होने के लिए करते नजर आएंगे? क्या विधायकों के इस्तेमाल से हाईकमान पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह का हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी आधार है? तो 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि आधे हरियाणा को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में कर लिया है। किसानों की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत सिंह चौटाला जैसे तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये चीजें किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं और क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी संगठन के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।